तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जो करंट सिनेरियो में अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। तो हमारा ये बेसिकली जो 6 जुलाई है उसके बाद ये चेंज हो गए हैं। तो 6 जुलाई से आपका जो नया कैबिनेट मिनिस्टर का एक लिस्ट आया, तो बेसिकली हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम करते हैं तो हम पहली बात ये करेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इस समय। है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। पहली बात, अगर आपको ये भी समझ नहीं है तो आप ये भी समझ जाइए कि एटॉमिक और स्पेस का हमेशा, अगर आप देखेंगे पुराना इतिहास भी खंगाल लेंगे, तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो बेसिकली आपके प्रधानमंत्री के पास होते हैं। और जो जो पोर्टफोलियो, मतलब जो मंत्रालय किसी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं होता, वो मोदी जी के पास दोबारा आ जाएगा। मतलब जो आपके प्राइम मिनिस्टर है उनके पास दोबारा आ जाएगा। और बात करते हैं कभी भी, जैसे अभी हरसिमरत कौर जी का, मतलब फॉर्म प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने अपना जो इस्तीफा दे दिया मिनिस्टर पद से। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे पद को इस्तीफा दिया जाता है तो वो आपका पद चेंज करके इसी और मिनिस्टर को दिया जाता है, जैसे तोमर जी को दे दिया गया था। चलो हम बात कर लेते हैं अभी रिसेंटली का, जो मतलब 6 जुलाई के बाद एप्लीकेबल है। बाकी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पुराने मिनिस्टर इस समय कौन थे। इस मतलब जैसे डिफेंस की बात करते हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे इस समय है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ये पहले भी, मतलब जो 6 जुलाई को जो बना है हमारा, तो ये पहले भी थे, अभी भी है। तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगर आपने पढ़ा हुआ है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, तो आप हमेशा एक ही आंसर मारोगे, राजनाथ सिंह जी को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अमित शाह जी। वो होम अफेयर सेम है, मतलब पहले भी यही थे और ये अभी भी है। और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, तो बेसिकली ये कोऑपरेशन का एक नया मंत्रालय बना है, तो इसके भी मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। तो बात करते हैं नितिन जयराम गडकरी जी, तो बेसिकली इनके बाद मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये काम दासू कर रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी हमारे पास जो इथेनॉल से रिलेटेड कई सारे न्यूज आ रहे हैं। अभी एलएनजी आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इन्होंने मतलब ओपन करा है नागपुर में। तो ये भी एक क्वेश्चन है हाल फिलहाल में पूछा जा सकता है। मतलब ये प्राइवेट ओनरशिप के साथ ओपन किया गया है, मतलब किसी प्राइवेट अथॉरिटी को दिया गया है, उसका नाम है बैद्यनाथ। तो हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन जी, तो इनको फाइनेंस का दिया गया है और कॉर्पोरेट अफेयर भी दिया गया है। तुमर जी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बाकी इनके पास कई सारे डिपार्टमेंट थे वो हटा दिए। बाकी जो इनके पास डिपार्टमेंट जो एलोकेट है वो सेम है, मतलब जो पहले था वही पोर्टफोलियो में दोबारा इनको मिला हुआ है। तो बात करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, तो बेसिकली ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। इनके बात करने का तरीका अगर हम देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, और हमेशा मतलब भारत के एक पोटेंशियल के तरफ ये अपना पोर्टफोलियो रखते हैं, हमेशा मतलब बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्जुन मुंडा जी, तो हमारे ये ट्राइबल अफेयर है। देखिए मुंडा ट्राइबल याद करने का तरीका। फिर हम बात करते हैं ईरानी जी, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पीयूष गोयल जी के पास पहले रेलवे था, अब किसी और के पास चला गया है। हम बात करते हैं इनके पास जो जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो हमारे इनके पास है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मैंने स्पेशली मेंशन भी कर दिया है आपके लिए, बहुत बढ़िया मैंने चीज बनाई है। तो इसमें ये पहले डिपार्टमेंट किसके पास था, राम विलान पासवान जी के पास था। बेसिकली उनका डेथ हो चुका है, तो इसलिए अब जो डिपार्टमेंट था वो एलोकेट अब किसी और को देना था, तो अब पीयूष गोयल जी को मिल चुका है। फिर हम बात करते हैं इनके पास एक और डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, जो मिसेस जुबिन ईरानी जी के पास था पहले। फिर हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पास जो पेट्रोलियम का पहले था, तो इनको दो डिपार्टमेंट मिले हैं। कौन कौन से? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट पहले किसके पास था? रमेश पोखरियाल जी के पास था। और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप, ये भी इनको डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है। तो अब ये बात करेंगे तो ये स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रीनरशिप मैन पहले किसके पास था? महेंद्रनाथ पांडे जी के पास था। ठीक है, हम बात करते हैं पहला जोशी जी, मतलब ये तो बेसिकली सेम है, पार्लियामेंट्री अफेयर के हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो हमारे पास आ गया नेथन टाटू राणे, तो बेसिकली ये एमएसएमई, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एमएसएमई। मतलब ये बेसिकली हमारा छोटे उद्योग से रिलेटेड है। तो इसके पहले मतलब मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी थे। फिर हम बात करते हैं जी, ये हमारे यहाँ, ये असम के हैं, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये मिनिस्टर ऑफ किसके बनाए गए हैं? पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे। बेसिकली ये पहले भी नितिन गडकरी जी के पास ही था मोस्ट प्रोबली। तो हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ आयुष भी इनको दे दिया गया है। और मुख्तार अब्बास नकवी जी को, हमारा वही है बेसिकली, इनको माइनॉरिटी अफेयर ही दिया गया है।
हम नेक्स्ट देखते हैं तो वीरेंद्र कुमार, इनको क्या मिला है? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो ये पहले इसके मतलब कौन थे? थावरचंद गहलोत। गिरिराज सिंह जी को क्या मिला है? तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिला है। पहले इनके पास फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट था। तो ये पहले डिपार्टमेंट किसके पास थे? रूलर जो थे आपके पास नरेंद्र सिंह तोमर, और पंचायती राज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास थे। पहले हम बात करेंगे तो नरेंद्र तोमर जी के पास कई सारे डिपार्टमेंट आ गए थे जो बेसिकली वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए सरकार को ये काम पहले भी करना था मगर उन्होंने बाद में कराया। चलो तो कोई नहीं, पोर्टफोलियो बना के कई बंदों को मतलब रिजाइन भी दिया कई बंदों ने। तो इसमें हर्षवर्धन जी ने भी रिजाइन दिया है और रविशंकर प्रसाद जी ने भी दिया है। तो हम बात कर लेते हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और फिर अभी ये एमपी हैं। तो इन्हें क्या दिया है? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन दिया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्हें क्या दिया है? मिनिस्टर ऑफ स्टील। स्टील पहले ये किसके पास था? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था। हाँ, बात सबसे मेन थी कि हम बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ रेलवे, अब किसे बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव, वैष्णव जी को बनाया गया है। तो पहले ये जो रेलवे का डिपार्टमेंट किसके पास था? पीयूष गोयल जी के पास था। और हम बात करेंगे इनके और भी एलोकेशन कर रखे हैं, तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो पहले रविशंकर प्रसाद जी के पास था, और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी रविशंकर प्रसाद जी के पास था वो भी इन्हें मिल गया है। तो हम बात करते हैं पशुपति कुमार पारस, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पहले ये नरेंद्र तोमर जी के पास था। नरेंद्र तोमर जी से पहले किसके पास था? आपकी अकाली दल की क्या है? हरसिमरत कौर जी के पास था। तो वो किसान प्रोटेस्ट से मैंने जैसे बताया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो सितंबर में दिया था, आपको अगर डेट पता करनी है तो सितंबर में ये मतलब मैडम थी। तो उसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट अपना छोड़ दिया, तो उसके बाद नरेंद्र तोमर जी को दिया गया। फिर ये जो पोर्टफोलियो टू बना दिया, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन कर दिया है। हम बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो ये बेसिकली जल शक्ति, और ये सेम है। किरेन रिजिजू जी हैं हमारे, तो इन्हें क्या मिला है? लॉ एंड जस्टिस का मिला है। पहले ये डिपार्टमेंट किसके पास था? रविशंकर प्रसाद जी के पास था। राजकुमार सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिला है। हरदीप सिंह पुरी जी को क्या मिला है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, और अब एक और डिपार्टमेंट मिला, मतलब वो तो सेम ही है, नेशनल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इनके पास सेम है, ये पहले भी इनके पास यही था डिपार्टमेंट। तो हम बात कर लेते हैं मनसुख मंदविदिया, तो इनको क्या मिला है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो पहले हर्षवर्धन जी के पास था, और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर पहले शबनम गौड़ा जी के पास था। तो इनको अब इनको एलोकेट कर दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी को क्या मिला है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि पहले प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था, और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को मिला है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो कि पहले किसके पास था? अरविंद गणपत सावंत जी के पास था। पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास क्या क्या मिला है? फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, ठीक है, पहले किसके पास था? गिरिराज सिंह जी के पास था। फिर हम बात करते हैं जी किशन रेड्डी जी के को क्या मिला है? कल्चर और टूरिज्म का मिला है, बाकी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन का भी मिला है मिनिस्टर। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और क्या बच गया हमारे पास? अनुराग सिंह ठाकुर जी को क्या क्या मिला है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो पहले ये किसके पास था? प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था, और जो हमारा यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट था वो किरण रिजिजू जी के पास था। तो देख लिए बेसिकली ये जो आपके मिनिस्टर बने हैं वो 6 जुलाई के बाद बने हैं, 6 जुलाई 2021। अब इससे पहले पूछा जाएगा तो मैंने स्पेशली रेड में मेंशन किया है उनका नाम, और वहां पर मैंने सेम लिखा है, सेम मतलब उनको सेम डिपार्टमेंट अभी भी मिला, और बाकी मैंने उसमें अगर नाम लिख दिया है उनका नेम, तो बेसिकली उनके पहले डिपार्टमेंट वो उन बंदों के पास था। तो अब ये रिशिव्ड हो चुका है, तो बेसिकली आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत जानकारी लाभदायक होगी, तो आने वाले एसएससी एग्जाम में बाकी बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये 30% के नाम आपको याद करने हैं, तो बाकी मेरी वीडियो को हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं, मतलब आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सटीक है, मैंने सब कुछ डाटा बनाया है, इसमें स्पेशली मेंशन किया है ये इंफॉर्मेशन कि अभी के कौन बने हैं, इससे पुराने किसके पास थे। अगर आपके पास दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मतलब मान लो पेपर दे रहे हो, आपके पास पुराना डाटा पूछ लिया जाए तो भी आप आंसर दे सकते हो, और नया डाटा पूछा जाएगा तो भी आंसर दे सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहें, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।